आराम से बिल्कुल। अरे ये माइक नीचे करो, जहां में इलेक्शन हो रहा है। अरे अभी तक नीचे माइक, नीचे माइक, नीचे भाई। भोजा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आम मतदाता को ये बात बताने की ज़रूरत है कि उनके बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या अच्छा है। मुझे लगता है पिछले विधानसभा के चुनाव में भी जनता ने स्वयं निर्णय लिया था और एक बात उन्होंने ज़रूर स्पष्ट कर दी थी कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए जनादेश नहीं मिला था, इसीलिए उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया। आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। पिछले MLC के भी चुनाव में पुनः उन्होंने तीसरे नंबर का अपना रिकॉर्ड कायम रखा, उसमें भी तीसरे नंबर की ही पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनी है। बहरहाल बोचा में वो नहीं लड़ रहे, पर उनके सहयोगी NDA की तरफ से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि अब बोचा की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व कौन बेहतर कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैं अपनी तरफ से कोई राय या मशवरा देकर बोचा की जनता के बुद्धि विवेक को चुनौती नहीं देना चाहूँगा। मुझे लगता है वो अपनी सोच से जो निर्णय लेंगे उचित निर्णय लेंगे। मेरा ध्यान फिलहाल आज की तारीख में केंद्रित है, आगामी 14 अप्रैल को जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से वो मनाया करते थे। उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी ये निर्णय लिया है कि उसी तरीके से ही, धूमधाम से ही आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को हम लोग मनाएंगे। पहले पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, परंतु राज्य सरकार के द्वारा कागजी कार्रवाई, परमिशन मिलते मिलते विलंब जिस तरीके से हुआ, और क्योंकि वो खुले मैदान में कार्यक्रम होना था, हम लोग के लिए संभव नहीं था कि आखिर के दिन में अगर वो आज और कल में अगर हमको परमिशन दें तो पूरा टेंट लगवाना है, मंच बनवाना है, एक दिन में वो कार्यक्रम वहाँ पर करना संभव नहीं हो पाएगा। तो विकल्प के तौर पर पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग बापू सभागार में 14 अप्रैल को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। सुबह 11 बजे बापू सभागार में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उनकी जयंती मनाई जाएगी, और उस दिन ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, ना सिर्फ हमारे कार्यकर्ता, बल्कि देश भर में जितने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं, उस दिन वो ये संकल्प भी लेंगे कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कि भारत में दूसरे अंबेडकर के तौर पर माने जाते हैं, उनकी मूर्ति हम लोग प्रदेश भर के हर एक ज़िले में हम लोग लगाने का हम लोग संकल्प लेंगे। इसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती से, उनके जन्म दिवस से। 5 जुलाई को उनका जन्म दिवस होता है और एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो अपने कर्मों से जाना जाता है, और मेरे नेता की कर्म भूमि हाजीपुर रही है। हाजीपुर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान की वजह से जाना जाता है। मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से, दो दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज कराया, वो हाजीपुर की जनता है। तो उनकी कर्म भूमि पर सबसे पहली उनकी मूर्ति, बहरहाल सबसे पहली उनकी मूर्ति मैंने उनके घर, उनके आवास पर लगवाई थी, 12 जनपद पर, जहाँ पर एक लंबा समय रहकर और सामाजिक न्याय का केंद्र उन्होंने उस घर को बनाए रखा। मंडल कमीशन लागू करने का महत्व, निर्णय लेने की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में जब बदलाव की बात हो, उसको यथास्थिति पर लाने का निर्णय उसी घर में लिया गया। उन्होंने 81 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में खाना मिले, लॉकडाउन के समय जो विपरीत परिस्थिति थी, वो तमाम महत्वपूर्ण निर्णय उसी घर से लिए गए। तो सबसे पहली मूर्ति तो मैंने उनकी 12 जनपद पे ही लगाई थी। बहरहाल परिस्थिति वर्ष वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई। तो अब ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने लिया है कि आगामी 5 जुलाई को सबसे पहले उनकी मूर्ति उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में लगाई जाएगी, और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि के दिन
जिस दिन उनका दुखद निधन हुआ था, उस दिन उनकी जन्मस्थली शहर बन्नी में उनके गांव पर हम लोग उनकी इस मूर्ति की हम लोग स्थापना करेंगे। और साथ ही में ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता नेता जो उस दिन बापू सभागार में मौजूद होंगे, ये तमाम वो नेता, तमाम उनके अनुयायी ये संकल्प लेंगे कि आगामी आने वाले समय में बिहार के हर एक जिले में और संभवतः देश के हर एक प्रदेश में उनकी ये भव्य मूर्ति लगाने का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे, ताकि हर एक जगह उनकी मूर्ति लगे, उनके विचार, उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ी तक भी घर घर तक पहुंचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ उनकी ये मूर्ति लगाई जाएगी। मैंने निरंतरता में मैंने बहुत बार प्रयास किया कि राज्य सरकार कम से कम जिले में उनकी मूर्ति लगाने का कार्य करे, जगह हम लोगों को दे, पर ये जगह अभी तक भी नहीं मिली है। मैं पुनः आग्रह करूँगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मुझे अगर वो मिलने का समय दें तो ज़रूर मैं उनसे मुलाकात कर मैं उनसे आग्रह करूँगा कि भाई मूर्ति बनवाने का काम हम लोग कर लेंगे, पर कम से कम आप जगह दें। बहरहाल अगर वो जगह नहीं देते हैं, क्योंकि 1.5 साल बीत गया है, अभी तक ना उन्होंने कोई जगह देने का, ना उनको सिम्बॉलिक जो सम्मान देने का काम होता है, भैया आप सड़क उनके नाम पर करते हैं या आप कोई स्मारक उनके नाम पर बनाते हैं या कोई मूर्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 1.5 साल में लाख हम लोगों के प्रयासों के बावजूद उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। मैं पुनः एक आखिरी प्रयास ज़रूर करूंगा कि 5 जुलाई से पहले कम से कम हाजीपुर में वो मुझे कोई जगह दे दें, पर अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग अपनी व्यवस्था कर इन मूर्तियों की हम लोग स्थापना बिहार के हर एक प्रदेश में करेंगे। साथ ही में इसी क्रम में मेरी कल मुलाकात आदरणीय रेल मंत्री जी से भी हुई है, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैभव जी से मुलाकात कर उनसे मैंने आग्रह किया है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम हमारे नेता पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाना चाहिए। और वो मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं ये सारी मांगे नहीं कर रहा हूँ। एक 50 साल का योगदान रहा है देश की राजनीति में और बिहार के निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका रही है। पिछले 52 सालों में उन्होंने जिस तरीके से बिहार के लिए, बिहारियों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, अपनी अंतिम सांस तक, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार में अपने संबोधन में उनके निधन के बाद जब वो पहली बार आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि वो अपनी अंतिम सांस तक उनके साथ थे, तो जिस तरीके से अपनी अंतिम सांस तक बिहार, बिहारियों के लिए, देशवासियों के लिए और ख़ास तौर पर दलित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, मुझे लगता है उनके सम्मान में उनकी मूर्ति लगाना आने वाले समय में उनके नाम पर रेलवे स्टेशन हो या मार्ग हो, ये एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उनको वो सम्मान देने का, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जाने। आज के लोग तो उनको जानते हैं, पर आज से आने वाले 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल के बाद लोग उनको जाने कि भैया ये मूर्ति क्यों लगी है, तो लोग पढ़ेंगे उनके बारे में कि भैया ये रामविलास पासवान थे, इन्होंने सामाजिक लड़ाई में, सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपना ये योगदान दिया, इस तरीके से उस वक्त उन्होंने समाज को एक साथ बांधने का काम किया, जब अनटचेबिलिटी थी उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन्होंने जिसको अपना नेता माना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनके लिए उन्होंने क्या काम किए। आज हम लोग गर्व से कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 89 में किया, जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। आज हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते भैया कि हमारे जो संविधान के रचयिता हैं उनका एक तैल क्षेत्र भी भारत की संसद में नहीं हो, जिस संविधान के आधार पर संसद या देश चलता है। पर वो तस्वीर 89 से पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हमारे भारत की संसद में नहीं थी, वो तस्वीर लगवाने का काम भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 14 अप्रैल उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार में, जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस दौरान ये तमाम फैसले लिए गए। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से, मेरे पिता तो हैं ही, उनके सम्मान में मुझसे जो हो सकेगा वो तो मैं ज़रूर करूँगा ही, पर ये तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के
नेता कार्यकर्ताओं की ये मांग रही थी। डेढ़ साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि संभवतः सरकारों के द्वारा और ख़ास तौर पर राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शायद कोई ऐसा फैसला लिया जाए, पर ऐसा फैसला नहीं लेने की वजह से पार्टी ने अब फैसला लिया है और उसको संकल्प के तौर पर हम लोग 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में संकल्प के तौर पर हम लोग उठाएंगे और 5 जुलाई को उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में उनकी मूर्ति लगेगी और 8 अक्टूबर को उनकी जन्मस्थली शहर बन्नी में हम लोग ये मूर्ति लगवाने का हम लोग काम करेंगे और आगामी उम्मीद करेंगे हम लोग कि अगली 14 अप्रैल से पहले बिहार के कम हर एक ज़िले में इस तरीके से उनकी मूर्ति लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार से जिस तरीके से मैंने मांग की है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार ये फैसला ले और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाए। चिराग जी, चिराग जी, जेडीयू के बड़े नेता, कई बड़े नेता, किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है जेडीयू के नेताओं की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा, मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है, ये तभी कहा जाता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है। ये कहने की जरूरत ही पड़ रही है, अपने में दर्शाता है कि विरोधाभास कितना है। चाचा जी से आप चुनाव हार चुके हैं और आपका वायरल भाई, जिस तरीके से जनता ने अपना जनादेश दिया और उसमें मैं हमेशा, मैंने इस बात को मैंने कहा है कि मैं जनता के जनादेश का मैं सम्मान करता हूं और जिस तरीके से खास तौर पर जितने गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, वो जिस तरीके से इस चुनाव में उनका रुख बदला है, परिणाम स्वरूप मौजूदा एनडीए गठबंधन को जिस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा, ये अपने में दर्शाता है कि भैया कहीं ना कहीं गरीब वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का विश्वास मौजूदा एनडीए गठबंधन से अब